हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में, जिनमें हमने तीन हॉर्मोन आपको करा दिए थे। पहला हॉर्मोन ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन और तीसरा साइटोकाइनिन। आज भी हम प्लांट हॉर्मोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास एब्सिसिक एसिड और इथाइलीन है। बच्चों, अगर हम लोग ये कहें कि भाई हमारे अंदर दिमाग जो कि बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे शरीर को मैनेज करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, तो ऐसा प्लांट में भी होता होगा। बिल्कुल होता है, लेकिन प्लांट के पास ब्रेन नहीं होता। प्लांट के पास कंट्रोल करने वाली जो चीजें होती हैं वो स्पेशल चीजें हैं, जिनको हम लोग हॉर्मोन्स कहते हैं। बच्चों, हमारी बॉडी को यानी एनिमल बॉडी को कंट्रोल करने में ब्रेन बहुत हेल्पफुल है और पूरी बॉडी को ब्रेन मैनेज कर लेता है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है जो पूरे प्लांट को कंट्रोल कर सके। अब अगर कुछ नहीं है तो प्लांट कंट्रोल कैसे होते हैं, यही बच्चों आपको बताना है कि प्लांट कंट्रोल करे जाते हैं किसके द्वारा? हॉर्मोन्स के द्वारा। और तीन हॉर्मोन हम लोग पढ़ा चुके हैं, दो आज पढ़ने हैं। चलिए समझ लेते हैं कि आखिर एब्सिसिक एसिड और इथाइलीन का क्या काम है। जब कभी आपको लग रहा हो कि किसी प्लांट में पतझड़ आ गई हो, या किसी प्लांट की ग्रोथ रुक गई हो, या कोई प्लांट आगे ही नहीं बढ़ रहा हो, या फिर किसी प्लांट के अंदर ऑक्सिन का, जिब्रेलिन का और साइटोकाइनिन का असर ही खत्म हो जाए, समझ लो उसके अंदर एक ऐसे हॉर्मोन ने जन्म ले लिया है जिसका नाम भाई साहब एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड क्या कहता है कि मैं गुंडा हूं। गुंडा मतलब गुंडे का क्या काम होता है? गुंडे का काम होता है सबके असर को खत्म करके अपना राज स्थापित करना। तो अगर हमारे पास ऑक्सिन है, प्लांट कहता है मेरे पास ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है, मैं तो ऑक्सिन से ग्रोथ कर लूंगा, जिब्रेलिन से मेरी साइड ग्रोथ हो जाएगी, मेरे फ्लावर्स डेवलप हो जाएंगे और साइटोकाइनिन मेरा हम सफर है, ये हमेशा मेरे साथ डिविजन करता चलेगा, तो मेरा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एब्सिसिक एसिड आए यहां पे, जैसे ही हुई इनकी प्लांट्स में एंट्री, वैसे ही इन्होंने पूरा खेल पलट दिया। कैसे पलट दिया? क्योंकि एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो किसी भी प्लांट की ग्रोथ को रोक सकता है, किसी भी प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है। इस हार्मोन को हम लोग ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। बच्चों, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले आपने देखा होगा कि कोई प्लांट खड़ा खड़ा सूख गया, किसी प्लांट में से पतझड़ होने लगी है और वो बिल्कुल मतलब सूख गया, ना उसके पास पत्ती आ रही है, ना उसके पास फूल रहा है, मतलब एक तरीके से वो बिल्कुल खत्म हो गया प्लांट। कैसे हुआ? एब्सिसिक एसिड क्या करता है? क्लोरोफिल खत्म कर देता है, ऑक्सिन ग्रोथ करता है, ऑक्सिन के असर को खत्म कर देता है, जिब्रेलिन फ्लावर्स डेवलप करता है और बहुत सारी स्टेम्स की ग्रोथ करता है, उसका असर खत्म कर देता है। जब प्लांट फूड ही नहीं बनाएगा और जितना फूड है वहां पे, वो फूड जब उसे थोड़ा ग्रो अप प्लांट होगा और फिर ऑक्सिन का, जिब्रेलिन का और साइटोकाइनिन का असर खत्म हो गया, तो फिर कभी कोई प्लांट ग्रो कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी प्लांट को बढ़ने नहीं देता। बच्चों, उसके बाद में इथाइलीन, इसको हम लोग इथीन भी कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात समझिए, अगर किसी प्लांट में फल लगते हो, फ्रूट लगते हो, तो अगर किसी प्लांट में फ्रूट लगेंगे तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, कलियां आएंगी, उन कलियों से फल बनेगा। अब मान लीजिए आम का पेड़ ले लो आप, अब सबसे पहले आम के पेड़ पे लगते हैं छोटी छोटी कलियां, जिनको निहिर भी बोलते हैं लोग, आम भाषा में क्या बोलते हैं? निहिर। ठीक है, वो निहिर आगे जाकर के कच्चे आम में बदल जाता है। इसमें कच्चे आम में, यानी जो आम पका हुआ नहीं है, कहने का मतलब हरा आम, हरा आम कच्चा होता है और जब वो हरा आम पक जाता है तो वो ज्यादातर पीला हो जाता है, ज्यादातर पीला हो जाता है अगर पकेगा तो। तो सिंपल सी बात है कि प्लांट पहले कली थी, मतलब फ्रूट पहले कली थी, उसके बाद एक फ्रूट बना, कच्चा फ्रूट बना, उसके बाद फिर पक गया। ऐसा इसके बीच में क्या हुआ? तो प्लांट्स के अंदर एक अनदर हॉर्मोन जिसको इथाइलीन हम लोग बोल रहे हैं, उसका सेक्रेशन होता है, जिससे आपके प्लांट के अंदर आपके फ्रूट पकते हैं। यानी ये क्या काम करता है?
रिपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि किसी भी फल को पकाने का काम कौन करता है जी? फ्रूट करता है। ये सिंपल सी बात है। अब सवाल ये है कि और कोई काम है इसका? बिल्कुल है। तो अगर हमारे प्लांट में, अगर हमारे प्लांट में आपके फीमेल फ्लावर्स हो और वो कम हो, तो उसको बढ़ाने का काम भी थाइलिन करेगा। ठीक है, क्या काम करेगा? फीमेल फ्लावर्स की ग्रोथ, क्या करेगा जी? फीमेल फ्लावर्स की ग्रोथ करेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो एब्सेसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई ग्रोथ बढ़ने नहीं देगा, ग्रोथ को रोक देगा। अगर बढ़ भी रहा होगा प्लांट और एब्सेसिक एसिड की हुई एंट्री, तो गुंडा है, सबको गोली मार देगा, खत्म मामला, खत्म, टाटा और बाय बाय। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए, ताकि और बच्चे भी कुछ सीख पाए।